खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे का दी एंड होते ही शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं। शिवसेना विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही सीएम पद की मांग कर रहे थे उद्धव ठाकरे, जिससे उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाकर साकार कर दिया। कांग्रेस एनसीपी शिवसेना गठबंधन ने उन्हें अपना नेता चुना है और अब बड़ी खबर यह सामने आ चुकी है कि कल शाम 6:40 पर मुंबई के शिवाजी पार्क में सीएम पद की शपथ लेंगे उद्धव ठाकरे। देखिए, 20 साल बाद शिवसेना का महाराष्ट्र में दोबारा सीएम बनने जा रहा है और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई है एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने। शरद पवार जिनकी रणनीति के आगे बीजेपी के दाव पेच टिक नहीं पाए और देवेंद्र फडणवीस को महज 80 घंटे के भीतर भीतर सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। मतलब कुल मिलाकर 80 साल के शरद पवार ने 80 घंटे के भीतर बीजेपी सरकार को समेट के दिखा दिया। पहली पारी में 5 साल तक महाराष्ट्र के सीएम रहे फडणवीस, अब विपक्ष में आ गए हैं। ऐसी पटखनी जो शरद पवार ने दी है देवेंद्र फडणवीस को, बीजेपी सरकार को। तो ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं पूरी कहानी महाराष्ट्र की सियासत की। और आइए जल्दी से अब आपको अपडेट दे देते हैं महाराष्ट्र की सियासत में अब तक क्या कुछ हुआ है, इस पर एक नजर डालनी चाहिए आपको। उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के नेता चुन लिए गए, उद्धव ठाकरे सीएम पद की शपथ लेंगे कल शाम 6:40 पर। शपथ ग्रहण समारोह है मुंबई के शिवाजी पार्क में होगा ये शपथ ग्रहण समारोह। जयंत पाटिल एनसीपी की तरफ से, बाला साहब थोराट कांग्रेस की तरफ से शपथ ले सकते हैं, डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे जयंत पाटिल और थोराट। 3 दिसंबर तक बहुमत साबित करना होगा नई सरकार को। पीएम मोदी अमित शाह को निमंत्रण भी दिया जाएगा इस शपथ ग्रहण समारोह में आने का। और अब बात शिवसेना की बीजेपी पर किए हमले की। जी हां, अखबार निकला और शुरू हो गया है हमला। सामना शिवसेना का मुखपत्र, इसी सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई है। बहुमत का आंकड़ा ना होने के बावजूद फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, यह पहला अपराध। और जिसके समर्थन से शपथ ली उन अजीत पवार के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के सारे आरोपों को 4 घंटे में रद्द कर दिया, यह दूसरा अपराध। इस अपराध के लिए जगह चुना गया मुंबई के राजभवन को, जहां संविधान की रक्षा की जानी चाहिए। उन संविधान के संरक्षकों ने इस अपराध को कवच पहना दिया। तो देखिए किस तरीके से हमलावर है शिवसेना। आगे सामने में लिखा गया, हम विधायकों को तोड़ेंगे और बहुमत साबित करेंगे। इस विकृति पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने नकेल कसी। बहुमत निरीक्षण के दौरान गुप्त मतदान नहीं बल्कि इसका सीधा प्रसारण करो, ऐसा स्पष्ट आदेश न्यायालय ने दिया। अब ईडी और इनकम टैक्स आदि भाजपा के कार्यकर्ता क्या करेंगे, तो देखिए किस तरीके से अटैक भी सामना के जरिए और चुटकी भी ली गई है सामना के जरिए। हमारे द्वारा 162 लोगों का आंकड़ा दिखाने के बावजूद उन्होंने हमें झूठा ठहराने का घृणित प्रयास किया। अब बहुमत परीक्षण के पहले ही फडणवीस की सरकार भाग निकली। महाराष्ट्र में अब तक किसी भी सरकार या राजनीतिक पार्टी की इतनी बदनामी नहीं हुई। अजीत पवार ने आखिरी क्षणों में अपना वस्त्रहरण रोक लिया, लेकिन भाजपा पूरी तरीके से नग्न हो गई। महाराष्ट्र का उदंड शोरगुल थम गया, अब सब शुभ होगा। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार को बचाकर ये संपादकीय सामना में जो लिखा गया है और इसमें सीधे निशाने पर अगर कोई है तो वो बीजेपी देवेंद्र फडणवीस। अब एक सवाल फडणवीस ने कल उठाया, उस पर भी मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। लेकिन पहले देखिए फडणवीस ने इस महाविकास आघाड़ी सरकार को किस तरीके से 3 पहियों वाली ऐसी गाड़ी करार दे दिया है जिसका हर पहिया एक अलग ही दिशा में, एक अलग ही डायरेक्शन में मूव करेगा, तो फिर सरकार चलेगी कैसे। मुझे ऐसा लगता है कि आज ये 3 पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये 3 पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता,
तीनों पहिए तीन दिशाओं में चलेंगे और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। तो सुना आपने किस तरीके से कल जब अपने इस्तीफे का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे देवेंद्र फडणवीस, उसी समय उन्होंने ये सवालिया निशान लगा दिया इस तीन दल की सरकार को लेकर। और बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर जो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में, इसमें खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। इस समय मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका प्रदीप जी। सबसे पहले मैं आपका एक रिएक्शन लेना चाहती हूं, ये जिस तरीके से सवाल उठा दिया है देवेंद्र फडणवीस ने, यूं भी तो कहा जाता है सर तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और वही कह रहे हैं एक तीन पहिए वाली ऐसी गाड़ी इसका पहिया कभी भी कोई भी पहिया कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि विचारधारा के हिसाब से तीनों पार्टियां बिल्कुल अलग अलग है ना। देखिए बात तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी जल्दी क्या थी, जब आपको मालूम था ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन पहिए अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो थोड़ा सब्र दिखाते, इंतज़ार कर लेते। ऐसी क्या जल्दी थी कि बिना संख्या बल के आपने शपथ ले ली मुख्यमंत्री पद की। जो एक सिंपैथी बीजेपी के लिए चुनाव नतीजों के बाद थी शिवसेना के अलग हो जाने से, वो सब कुछ खत्म हो गया। सवाल यह है कि बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि इस पूरी एक्सरसाइज से उसको हासिल क्या हुआ, न तो सरकार मिली, न लोगों की सिंपैथी मिली, और न उसका जो एक हाई मॉरल ग्राउंड था कि भाई हम जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, हम एक महागठबंधन में लड़े थे, उसको बहुमत मिला, हमारा साथी चला गया, अब हम ठीक है विपक्ष में बैठेंगे, देखते हैं ये सरकार कितने दिन चलती है। ये सब करने की बजाय जिस तरह से सरकार बनी और जिस तरह से गिरी, उस वो उन सब से बीजेपी की छवि को, खास तौर से देवेंद्र फडणवीस की छवि को बहुत गहरा धक्का लगा है। 5 साल जो उन्होंने अपनी छवि बनाई महाराष्ट्र में, उस सबको 80 घंटे में जो है एक तरह से मटिया मेट कर दिया। बिल्कुल सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। और वो जो आपने मॉरल हाई ग्राउंड वाली बात कही ना, अच्छा उसके बारे में भी जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे देवेंद्र फडणवीस, तो उन्होंने कहा कि देखिए सब हमें तो खरीद फरोख करनी नहीं थी, हमें कोई घोड़ा बाजार तो सजाना नहीं था, इस वजह से नंबर नहीं हमारे पास, तो अब हम इस्तीफा दे रहे हैं। ये जो मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश की गई है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, इस बीजेपी सरकार की तरफ से जो अब चली गई है महाराष्ट्र में, क्या वो ले सकती है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप जब जनादेश लेने के लिए जनता के बीच जाते हैं तब आप कहते हैं ये लोग चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और जब आपको सरकार बनानी होती है तो वही लोग जिनके साथ चक्की पीसिंग एंड पीसिंग आप देश को नजर आते हैं, ओथ टेकिंग एंड टेकिंग, इस पर मैं आऊंगी। लेकिन इससे पहले जरा देखिए, 20 साल बाद शिवसेना रिटर्न्स, महाराष्ट्र की सत्ता में शिवसेना की वापसी, मुख्यमंत्री शिवसेना का होने जा रहा है, लेकिन कुछ कांटे जो अभी राह में हैं उनको समझना मुझे लगता है यहां जरूरी हो जाता है, क्योंकि मंत्रालय किस तरीके से बटेंगे ये एक सवाल होगा जो खड़ा होगा प्रदीप जी। इसके अलावा हिंदुत्व का ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर शिवसेना हमेशा से एक सख्त रुख अपनाती रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस इसकी बिल्कुल उलट रुख अपनाती रही है। और इसी तरीके का एक मुद्दा सावरकर को लेकर सामने निकल कर आता है, वीर सावरकर के मुद्दे पर किस तरीके से तालमेल बिठाएंगे ये दोनों पार्टियां जो बिल्कुल विचारधारा के लिहाज से अलग अलग धुरी पर मौजूद हैं। मुस्लिम आरक्षण भी बिल्कुल ऐसा ही मुद्दा है, एनआरसी भी ऐसा ही मुद्दा है, ये तमाम ऐसे विवादित मुद्दे हैं जिन पर आपस में ही टकरार, आपस में ही सरफुटावल इन पार्टियों में हो सकती है आगे चलकर, ये तो काफी मुमकिन है ना प्रदीप जी? बिल्कुल। और देखिए आप मत भूलिए श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट जो मुंबई दंगों में शिवसेना की भूमिका पर काफी कुछ प्रकाश डालती है, उसका मुद्दा उठा तब ये दोनों पार्टियां कैसे उससे निपटेंगी, शिवसेना उससे उसका क्या जवाब देगी। देखिए वैचारिक आधार पर ढूंढना शुरू करें तो मुद्दे तो इतने ज्यादा हैं कि सरकार का कुछ दिन भी चलना मुश्किल लगता है, लेकिन सत्ता एक अलग तरह की बाइंडिंग फोर्स होती है, वो आकर्षण होता है जो साथ रखता है, लेकिन सत्ता का चुंबक, ये बड़ी बात है जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि समझिए इस बात को कि ठीक है बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो दिखाती हैं कि ये तीन पार्टियां जो साथ आई हैं बिल्कुल अलग अलग दिशा में ये जा सकती हैं विचारधारा के लिहाज से, लेकिन फिलहाल इन्हें जोड़ने वाला जो चुंबक है वो सत्ता का चुंबक है। और फिलहाल ये तीनों पार्टियां जिन परिस्थितियों में वापस सत्ता में लौटी हैं कि एक तरफ जब ये बढ़ रही थी सत्ता की तरफ तो
अचानक से रात रात में खेल पलटा और सुबह जब आंख खुली तो देखा क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया है। उसने जिस तरीके से इन तीनों दलों को साथ लाया तो अब चिपक गए हैं कुछ उस तरीके से कि शायद शुरुआत के कुछ दिनों में तो ये दिक्कतें पेश ना आए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे सुबह 9 बजे राजभवन जाएंगे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे उद्धव ठाकरे। इस समय की बड़ी खबर है, आज सुबह 9 बजे राजभवन जाएंगे उद्धव ठाकरे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे उद्धव ठाकरे। मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया गया है उद्धव ठाकरे को राज्यपाल की तरफ से। आज विधानसभा का सत्र सुबह 8 बजे से शुरू होगा जहां पर प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो शपथ दिलवाएंगे सभी विधायकों को। और इस बीच खबर ये कि 9 बजे राजभवन जाएंगे उद्धव ठाकरे। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये कर्टसी मीटिंग एक तरीके से? जी हाँ, एक तरह से कर्टसी मीटिंग ही है क्योंकि कल शाम को वो नहीं गए थे। जब तीनों ही पार्टियों के नेता वहां पर पहुंचे सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए तो कल नहीं जा पाए थे वो, लेकिन आज सुबह 9 बजे राजभवन पहुंचकर वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। दूसरा रोमाना, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त विधान भवन में हूं और यहां पर आज के विशेष सत्र के लिए तैयारियां की जा रही हैं और जो तीनों ही पार्टियों के विधायक हैं कांग्रेस के, एनसीपी के और शिवसेना के, वो अपने अपने होटलों से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी के विधायक भी पहुंचेंगे, हालांकि उन्हें किसी होटल में नहीं रखा गया था तो सब अपने आप ही यहां पर आ रहे हैं और ठीक 8 बजे यहां पर सत्र की कार्रवाई शुरू हो सकती है। सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी कि प्रोटेम स्पीकर यहां पर आएंगे और वो शपथ दिलाना शुरू करेंगे एक एक करके सभी विधायकों को, जितने भी विधायक इस बार चुनाव में चुने गए हैं उन सबको एक एक करके शपथ दिलाई जाएगी और ये प्रक्रिया आज पूरे दिन भर जारी रहने वाली है। रोमाना, एक विधायक को शपथ दिलाने में कम से कम 2 से 3 मिनट का वक्त लगता है तो कुल 288 विधायकों को शपथ दिलानी है तो इस प्रक्रिया में अमूमन ये देखा गया है कि 1 से 1.5 दिन का वक्त लगता है तो माना यह जा रहा है कि आज का कम से कम पूरा दिन तो इसी प्रक्रिया में निकल जाएगा। पिछले कई दिनों से वो जो द ग्रेट महाराष्ट्र पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था ना, अब वो काफी हद तक सेटल डाउन करते हुए नजर आ रहा है। आज विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है विधानसभा का सत्र जो सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला है और उद्धव ठाकरे सुबह 9 बजे जाने वाले हैं मिलने के लिए राज्यपाल से राजभवन। फिलहाल सीधे आपको लिए चलते हैं उद्धव ठाकरे के घर, मातोश्री के पास मौजूद हैं मेरे सहयोगी अजय दुबे और अजय से जानते हैं। अजय, मातोश्री के बाहर आज सुबह से क्या किसी तरीके की चहल पहल नजर आ रही है? क्या एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हुए वहां पर कोई होर्डिंग, पोस्टर्स, बैनर्स लगाए गए हैं शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि जाने जाते हैं शिवसेना के सबके लिए? तो जी बिल्कुल, देखिए उत्सव का माहौल है पर अभी मातोश्री में चीजें बेहद सामान्य है। इससे पहले आप बात कर रही थी विधायकों के बात करने की कि क्या उन्होंने बात की, शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो देखिए जैसे ही कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया ना उसके बाद से सब एकदम सामान्य है, बिल्कुल खुशियां हैं, लड्डू बट रहे हैं, हम लोग को होटल के अंदर बुलाया जा रहा है। होटल के बाहर जहां होटल के स्टाफ का गार्ड अलग लगे थे, पुलिस अलग लगी थी, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हम ऑलरेडी होटल के अंदर थे पर उसके बाद चीजें सामान्य हो गई। सारे बड़े नेता, चाहे वो शिवसेना के एकनाथ शिंदे हो, चाहे केसरकर हो, तमाम जो बड़े नेता थे वो सब आराम से बात कर रहे हैं, सबने खुले तौर पर बात की और यहां तक बोल दिया कि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल दिन में ही ये बात स्पष्ट कर दी थी। सारे विधायकों ने बात की, अपना एक्साइटमेंट जाहिर किया, ये भी बोला कि किस तरीके से ये जो कुछ घटनाक्रम घटा उसको लेके किस तरीके से उन्हें दिक्कतें आई, अपने परिवार से बात नहीं कर पा रहे थे, इतनी सारी दिक्कतें। उसके बाद जब शाम को ट्राइडेंट होटल पे गए, उसके बाद जब वापसी में वो बस से थे तब भी हमने उनसे बात की, तो अब सब कुछ सामान्य है, वो बात कर रहे हैं, वो सारी सूचनाएं दे रहे हैं, खुशी उनमें है। लगातार जो एक बात कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी बात कर रहे थे कि ये जो तीनों पार्टियां हैं जिनके बीच इतनी ज्यादा वैचारिक भिन्नता है वो कैसे एक साथ आएंगे, तो उसका जो मसौदा है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और चीजें इंप्लीमेंट हो पाए, जो वैचारिक भिन्नता है उस पर काम हो सके, इसके लिए ही उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात एनसीपी और कांग्रेस ने की है। क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना के मुद्दे रहे हैं वो इतने एग्रेसिव हैं, चाहे वो सावरकर की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, तो इसमें एक कॉमन मिनिमिलिटी लाने के लिए, एक सिमिलरिटी लाने के लिए, इसके लिए ही उद्धव ठाकरे जी को आगे किया जा रहा है और ये जो प्लान है इसी के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं ना, इसी वजह से तो शरद पवार की तरफ से कहा भी गया कि देखिए इतना आसान नहीं है, बिल्कुल अलग अलग विचारधारा वाली ये पार्टी जिसके साथ हम लोगों को आना
बनाना था, तालमेल बिठाना था। जो कहा जा रहा था ना इधर बीजेपी की तरफ से कि साहब अगर आपको सरकार बनानी थी, आपके पास नंबर था तो फिर चले क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा सिर्फ सरकार नहीं बनानी थी, शरद पवार ने कहा एक ऐसी सरकार बनानी थी जो स्टेबल हो, जो महाराष्ट्र के लोगों के हित में हो, और इसी वजह से सिर्फ हवा हवाई दावे हमें नहीं करने थे, हम जो बात कहें उसको जमीन पर उतार पाएं, इसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे थे और उसमें समय लगता है। ये बात पहले भी साफ कर दी गई थी शरद पवार की तरफ से। और देखिए एक और जानकारी जो सामने आ रही है अजीत पवार से जुड़ी हुई है, जानकारी ये सामने आ रही है कि अजीत पवार अब से कुछ ही देर में विधानसभा के लिए निकलने वाले हैं, अभी अपने घर पर ही मौजूद हैं अजीत पवार। कल रात अजीत पवार चाचा शरद पवार के घर पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन मीडिया से नजरें चुराते नजर आए थे। अब आज अब से कुछ ही देर में 7:22 तो हो ही चुका है और 8 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, ऐसे में खबर ये कि कुछ ही देर में अजीत पवार भी अपने घर से निकलने वाले हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको जितेंद्र दीक्षित के पास, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर देख लीजिए। अजीत पवार जब कल पहुंचे थे अपने चाचा के घर, देखिए किस तरीके से नजरें चुराते हुए, नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है अजीत पवार में, मीडिया के कैमरे की तरफ देखा तक नहीं अजीत पवार ने, गाड़ी से उतरे और सीधे घर में दाखिल हो गए। ये देखिए गाड़ी से उतरते हैं, कोशिश करते हैं दूसरे डायरेक्शन में जाने की, लेकिन फिर जल्दी से घर में दाखिल होते हुए तेजी के साथ अजीत पवार। सीधे लिए चलते हैं आपको, जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र कुछ ही देर में निकलेंगे विधानसभा के लिए, भाई शपथ लेनी आज सभी विधायकों को, लेकिन सवाल ये कि अजीत पवार जिन्होंने पार्टी में वापसी कर ली, कल रात जाकर चाचा से भी मुलाकात कर ली, अब इस सरकार में क्या लग रहा है, हैसियत क्या होगी अजीत पवार की? देखिए अजीत पवार अब से कुछ देर में यहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं विधान भवन में आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि सुप्रिया सुले यहाँ पर मौजूद है, अभी अभी ये विधान भवन में पहुंची हैं, सांसद हैं बारामती इलाके से, शरद पवार की पुत्री हैं और ये यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा था सरकार बनाने का तीनों पार्टियों का मिलकर, तो उसमें इन्होंने एक बड़ी ही अहम भूमिका निभाई थी। और आप देख सकती हैं कि ये अभी अभी महाराष्ट्र के विधान भवन में दाखिल हुई हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर ये कुछ बोल दें इनसे बात करने की। ज्या संघर्षातून आमचे सगळे आमदार संघर्ष दाखवला, ऐक्य दाखवला, याचा मला सार्थ अभिमान आहे। सगळ्या महाराष्ट्रातल्या आमच्या आघाडीच्या एमएलएंना मानाचा मुद्दा। मॅडम काय काही देर आहे, दुरुस्त आहे मॅडम, काय काही हिंदी में बताइए। 24 तास तुम्हाला चॅनल चालवायचे, थांबा थांबा आगे आगे। मॅडम हिंदी में बताइए, मॅडम हिंदी में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मॅडम तुमची काय सुप्रिया मॅडम हिंदी में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आ जाओ लेके हो गया ना बंद, कैसे हो गया? तो सुप्रिया सुले भी विधानसभा पहुंच चुकी हैं और देखिए शनिवार का दिन था जब सुबह सुबह खबर आई थी कि अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले ली है और उन्हीं के जोर पर सीएम बन गए देवेंद्र फडणवीस। उस दिन जब सुप्रिया सुले सामने निकल कर आई थी तो चेहरा उतरा हुआ था, आंखें डबडबाई हुई थी और बड़े भावुक अपने व्हाट्सएप स्टेटस जो लगा रही थी सुप्रिया सुले, जिसमें कहीं ना कहीं वो संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि आगे बढ़िए तो पार्टी और परिवार दोनों में एक तरीके से बिखराव हो गया है। और आज चेहरा खिलखिलाता हुआ प्रदीप सुप्रिया सुले का, खुश है। पवार और अजीत पवार की मीटिंग हुई, आज अखबारों में छपा है अजीत पवार के बेटे का बयान कि इन दोनों की बैठक हुई, उसमें क्या बात हुई किसी को मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद ही अजीत पवार ने अपना फैसला बदला। तो दोनों में क्या बात हुई ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात, इस बात को एक और बात से जोड़कर देखें, शरद पवार ने कहा है कि परिवार मेरा ऐसा नहीं है, मेरे परिवार में जो भी बातें होती हैं वो मिल बैठ कर तय होती हैं और मैं परिवार का मुखिया हूं, मेरी बात फाइनल होती है। और इन दोनों को मिलाकर आप देखिए तो नतीजा सामने आता है कि शरद पवार ने आखिर अजीत पवार को परिवार का जो है वास्ता देकर वो वहां से वापस लाए बीजेपी के खेमे से। तो ये कई बार जो है राजनीति में
परिवार का की भूमिका हमने देखी है, इसकी उल्टी भी देखी है। परिवार की भूमिका देखी है सर, बिल्कुल देखी है, क्योंकि मैं लगातार जिस तरीके के बयान सुप्रिया सुले के आ रहे थे, मतलब वो अजीत दादा इतने भावुक होकर वो अपनी बात रखती थी कि वाकई में एक इमोशंस जो हैं परिवार में, जिस तरीके के जुड़ाव होते हैं, वो किस तरीके की भूमिका निभा सकते हैं, वो समझ आ रहा था कैमरे पर इन तस्वीरों को देखकर और बातों को सुनकर। तो महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर साफ, महाराष्ट्र में बनने जा रही है ठाकरे सरकार। कल शाम उद्धव ठाकरे शपथ लेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर। और इस बीच आज अब से कुछ ही देर बाद, आधे घंटे से भी कम का इंतजार रह गया है, सुबह 8 बजे से विधानसभा का जो सत्र बुलाया गया है, जहां सभी विधायकों को शपथ आज प्रोटेम स्पीकर की तरफ से दिलाई जाएगी। और सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित विधानसभा में ही मौजूद हैं और उन्हीं से जानते हैं इस वक्त कितने विधायकों का सिलसिला देख रहे हैं वो पहुंचने का वहां पर। जितेंद्र, कुछ देर पहले हमने देखा सुप्रिया सुले भी पहुंच चुकी हैं, अपने विधायकों का अभिवादन करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, जो विधायक आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए मैं आपको दिखा दूं कि सुप्रिया सुले यहाँ पर मौजूद है, एनसीपी की सांसद है, बड़ी नेता है, और इसके अलावा अलग अलग पार्टियों के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम देख रहे हैं कि विनायक राउत ये शिवसेना के नेता है, ये यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर आप देखेंगे नवाब मलिक। जितेंद्र, आवाज में दिक्कत आ रही है जितेंद्र, मुझे लगता है कि मुझे दोबारा आपके पास आना चाहिए, आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करवाते हैं और फिर आपके पास आते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे थे, सुप्रिया सुले वहां पर पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से वो अपने विधायकों का स्वागत कर रही हैं। अच्छा, नवाब मलिक को भी अभी देखा तस्वीरों में हमने, नवाब मलिक वहां पर पहुंच चुके हैं। नवाब मलिक का यहां पर जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं, एक तो वो नजर भी आ गया, और दूसरे देखिए जिस तरीके से संजय राउत शिवसेना की तरफ से रोज सुबह उठकर एक ट्वीट करते थे, कुछ उसी अंदाज में नवाब मलिक एनसीपी की तरफ से रोज सुबह उठकर एक ट्वीट करते थे, और इधर से संजय राउत एक शायराना से ट्वीट करते थे, इधर से नवाब मलिक एक शायराना से ट्वीट करते थे। तो ये संजय राउत, नवाब मलिक, जिस तरीके से ये पार्टियां साथ आई हैं वो स्क्रिप्ट लिखने में, इन्हीं लोगों की अहम भूमिका रही प्रदीप जी? कम से कम उसकी सार्वजनिक छवि पेश करने में तो निश्चित रूप से इनकी भूमिका रही। आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बात कर रहे हैं, हमें सुनना चाहिए जरा। जितेंद्र दीक्षित बात कर रहे हैं नवाब मलिक से? नहीं नहीं नहीं, दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है। जी प्रदीप जी, आप अपनी बात रखिए। पिछले एक महीने में ये जो पूरी एक्सरसाइज चली है, उसने इन तीन पार्टियों को, खासतौर से एनसीपी और शिवसेना को, और नजदीक लाने में भी भूमिका निभाई। जिस तरह से बीजेपी की तरफ से जो कुछ हुआ, फिर अजीत पवार का जो है विद्रोह, पार्टियों की आपस में बातचीत, रोज रोज की बातचीत, उसका भी एक नुकसान भी हुआ कि बड़ा लंबा खींचा ये, इससे ये लगने लगा कि शायद नंबर जुट नहीं पा रहे हैं या मतैक के नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक फायदा हुआ, कम से कम ये दो नेता इनको राष्ट्रीय स्तर पर लोग पहचानने लगे। हाँ, महाराष्ट्र से इन लोगों ने अपनी पार्टियों को लेकर कम्युनिकेशन गैप सार्वजनिक तौर पर नहीं नजर आया कि पार्टियों के भीतर किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन गैप है। सार्वजनिक तौर पर यही संदेश गया, जिस तरीके से ट्वीट संजय राउत का निकल कर आता था, ट्वीट नवाब मलिक का एनसीपी की तरफ से निकल कर आता था, सार्वजनिक तौर पर यह संदेश जाता था कि नहीं, ये दल जो है वो बिल्कुल एक ही पेज पर है, एक साथ है, एक ही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये सब जो उथल पुथल हुई कि डिप्टी सीएम बन गए अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस को सीएम के तौर पर शपथ दिला दी गई, तो एक बार को सवाल जो है वो शरद पवार की भूमिका पर भी उठ गया है प्रदीप जी। लेकिन वहां पर भी किसी तरीके की कोई मिसकम्युनिकेशन फैलने नहीं दी गई। नहीं देखिए, एनसीपी और शिवसेना में ये नहीं हुआ। एनसीपी और शिवसेना की ओर से एक भी ऐसा बयान नहीं आया जो एक दूसरे को काटने वाला, एक दूसरे का विरोध करने वाला या एक दूसरे पर संदेह पैदा करने वाला। बिल्कुल। जब अजीत पवार ने बगावत की तब कांग्रेस की ओर से जरूर बयान आया। हाँ। कांग्रेस को शक होने लगा कि शरद पवार की मिलीभगत से ये सब हो रहा है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से इस तरह के बयान आने लगे कि अगर ऐसा नहीं है तो पार्टी से निकालें अजीत पवार को, इससे साबित होगा कि शरद पवार इसमें शामिल नहीं है। तो एक लंबी पृष्ठभूमि भी है शरद पवार के राजनीतिक इतिहास की, जिसमें लोग जल्दी उन पर भरोसा नहीं करते। तो कांग्रेस की आज जो स्थिति है इस महागठबंधन में, वो शरद पवार पर वो निर्भर हैं, उनके उन पर भरोसा करके नहीं, लेकिन उनकी जरूरत ऐसी है कि शरद पवार के बिना महाराष्ट्र में कांग्रेस की नैया पार लगने वाली नहीं थी।
कांग्रेस को लाने में शरद पवार की भूमिका है, कांग्रेस को बनाए रखने में भी शरद पवार की भूमिका होगी, और कांग्रेस के सामने और कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि शरद पवार के साथ बने रहें। चलिए, अब स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े भी मौजूद हैं। और अशोक वानखेड़े जी, आज के दिन का पहला कमेंट, क्योंकि आज के दिन की शुरुआत हम तो इस लाइन से कर रहे हैं, सर, महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार, महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार बन गई है, और जिसका डर था कि बार बार लग रहा था कि ये बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और उससे ज़्यादा फडणवीस की शपथ लेना और फिर से मुख्यमंत्री बनना, इससे कहीं ना कहीं इस महागठबंधन जो बना है विकास आघाड़ी के नाम से, इसमें एक फिर देरी आ, एकदम शीघ्रता आ गई, और जो तथाकथित वो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर जो लटकाया जा रहा था, असल में तो कैटलिस्ट तो बहुत छोटी बात है, ये तो धक्का का, बहुत बड़े धक्के का काम किया। नहीं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो बोल ही गए थे पहले कि दिसंबर तक हो जाएगी सरकार हमारी, मतलब नए साल के पहले इस बयान के आते थे, और ये सारा खेल सिर्फ लड़ाई में चल रहा था कि मंत्रालय किसको क्या मिलेगा। आज भले ही बात कर रहे होंगे, मुझे लगता है मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री के साथ शपथ विधि हो जाएगा, मंत्रिमंडल बनने में भी टाइम लगेगा, ये भी महाराष्ट्र देखेगा अभी। क्योंकि वो हम चला रहे हैं, आपको पता है, वो हम एबीपी न्यूज पर चला रहे हैं, मुझे लगता है एक बार फिर से वो चला देना चाहिए हमें कि अभी भी किस तरीके की गांठें हैं, कौन से ऐसे टकराव के बिंदु, क्योंकि उसका जिक्र यहाँ पर कर ही दिया है अशोक वानखेड़े ने, तो एक बार जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे सरकार तो बनने जा रही है, कल शपथ ग्रहण भी उद्धव ठाकरे का हो जाएगा, लेकिन अभी भी कई ऐसी गांठें हैं, कई ऐसे तकरार के बिंदु हैं, कई रास्ते के कांटे हैं, जिसका जिक्र किया आपने वानखेड़े साहब। एक तो सबसे बड़ा कांटा अभी सबसे पहले जिसका सामना करना पड़ेगा वो मंत्रालय का मुद्दा होगा। मंत्रालय के मुद्दे, मंत्रालय पे तो भयानक घमासान होगा, और इसमें ये है कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इसमें शरद पवार होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय के लिए। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का कोई बोलने वाला ही नहीं है, शरद पवार के सामने ऐसे सब बोने हो जाते हैं महाराष्ट्र के नेतृत्व, और जो दिल्ली से लोग जा रहे हैं उन्हें वाकई महाराष्ट्र से कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं। वो पहले जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा था 16-15-12 वही होगा या कुछ बदलेगा? नहीं, 15-16-12 से मुझे कोई संख्या से कोई मतलब नहीं है। मंत्रालय में गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा, रेवेन्यू किसके पास जाएगा, अर्बन डेवलपमेंट किसके पास जाएगा, फॉरेस्ट एनवायरमेंट किसके पास जाएगा, ये जो मालदार मंत्रालय है ये किसके पास जाएगा, घमासान इस पे होगा। दूसरी बात जो है, ये तो अभी इस विकास आघाड़ी में जो होगा वो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो सामने दिखता है वो बताना भी एक पत्रकार का काम है, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो है नहीं। दूसरी बात जो है, अब हर पॉलिटिकल पार्टी में, अब कांग्रेस में एक अलग घमासान होगा कि मंत्री कौन बनेगा, वहां बहुत घमासान होगा, और ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे शरद पवार बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। शरद पवार ये भी तय करेंगे कि कांग्रेस में ऐसे मंत्री लोग नहीं बने जो कभी ना कभी शरद पवार को तकलीफ दे चुके हैं या शरद पवार के लिए आने वाले समय में माफिक नहीं है। और ये खासकर पूना और आसपास के जो क्षेत्र है जहाँ के कांग्रेस के ऐसे नेता है जिन्होंने आज तक शरद पवार के खिलाफ लड़ाई लड़के गांधी परिवार के साथ अपनी लॉयल्टी दिखाई है, वो लॉयल्टी गांधी परिवार उनको पे करेगा कि नहीं पे करेगा, ये बहुत डर लग रहा है। दूसरी बात, शरद पवार के भी परिवार में शरद पवार को भी अभी बहुत सारी चीजें सेटल करनी है। सबसे पहला इस पर मैं आऊंगी क्योंकि मैंने ये सवाल अभी पूछा भी था प्रदीप जी से और अपने रिपोर्टर जितेंद्र दीक्षित से भी कि भाई अजीत पवार ने वापसी कर ली है, अजीत पवार पार्टी में भी वापस आ गए हैं, रात में जाकर शरद पवार से भी अजीत पवार ने मुलाकात कर ली, मीडिया से नजरें नहीं मिला रहे थे, कैमरों से तो बिल्कुल नजरें ऐसे चुराते हुए निकल गए, तेजी के साथ गाड़ी से उतरे अपनी और घर में जाकर दाखिल हो गए शरद पवार के। लेकिन अब अजीत पवार की हैसियत क्या रहने वाली है, इस पर मैं आऊं, उससे पहले जरा एक बार फिर से कोशिश कीजिए ना विधानसभा की तस्वीरें दिखाने की, विधानसभा की ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम, वहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, सुप्रिया सुले खुद वहां पर पहुंच चुकी हैं और विधायक जैसे जैसे आ रहे हैं उनका स्वागत कर रही हैं, वो नवाब मलिक को हमने देखा, काफी चहल पहल वाली तस्वीर इस वक्त जो विधानसभा से सामने निकल कर आ रही है, वो तस्वीरें दिखाने की मैं आपको कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है इस समय पूरा एक्शन जो है वो वहीं पर ही है, 8 बजे से शपथ ग्रहण शुरू
शुरू होगा विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा सुबह 8 बजे से, और प्रोटेम स्पीकर जो है कालिदास कोलंबकर साहब वो शपथ दिलवाएंगे इन विधायकों को। और 9 बजे जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि उद्धव ठाकरे पहुंचने वाले हैं राजभवन राज्यपाल से मिलने के लिए, जिसे कर्टसी कॉल माना जा रहा है। लेकिन बात जरा अजीत पवार की भी, अजीत पवार भी कुछ ही पलों में विधानसभा पहुंचने वाले हैं, ऐसी जानकारी भी सामने निकल कर आ चुकी है। और कुछ देर पहले एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने नवाब मलिक से बात की है, वहीं विधानसभा में नवाब मलिक पहुंचे हैं, जरा वो बातचीत देख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ चर्चा आगे। विचारधारा की पार्टियां एक साथ में आ रही है और उन्होंने शक जताया कि ये सरकार ज्यादा चल पाएगी। देखिए ऐसा है, ये सरकार 5 साल तो निश्चित चलेगी, और उद्धव जी ने कहा है कि ये आघाड़ी जो है ये हम 5 साल के नहीं ले सालों के लिए बना रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श को हम स्वीकार के जब सरकार चलाएंगे तो बीजेपी को छत्रपति शिवाजी महाराज समझ में नहीं आए। छत्रपति शिवाजी महाराज का रियाया का राज था, धर्म जाति भाषा प्रांत से उठकर उन्होंने अपना शासन चलाया था, जो बीजेपी समझ नहीं पाई। हम शिवाजी महाराज को आदर्श मान के सरकार चलाएंगे, साथ रहेंगे, और जो मंसूबे बीजेपी के हैं उस पर पानी फिर गया है, आगे भी उनके मंसूबे पे पानी फिरेगा। जिस तरह से वो शुभकामनाएं दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी, हमें लगता है उनकी शुभकामना मन से भी नहीं दे रहे हैं। एनसीपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री कौन होगा इस सरकार में? कौन मंत्री कौन उप मुख्यमंत्री ये दुयम चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि हमने बीजेपी को परास्त कर दिया, जनता के मन की सरकार बनने जा रही है, लोगों के हित में सरकार काम करे ये प्राथमिकता रहेगी। आखिरी सवाल, कल जो शपथ विधि होगी तो क्या उसमें जो दोनों पार्टियों के उप मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस और एनसीपी के, वो भी शपथ लेंगे? नहीं, मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन उद्धव जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना रोमाना नवाब मलिक को, जो हमें बता रहे थे कि इनको भरोसा है कि ये सरकार जो है स्थायी रहेगी और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो ये जितेंद्र दीक्षित ने बात की है नवाब मलिक से, आपने सुना। और इस समय पता है आपको एक और तस्वीर सामने निकल कर आई है, आदित्य ठाकरे की ये तस्वीर है। आदित्य ठाकरे जो हैं वो सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे हैं सुबह सुबह दर्शन करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये तस्वीरें देख लीजिए आप, सिद्धि विनायक मंदिर में बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए आदित्य ठाकरे। ये आदित्य ठाकरे शिवसेना का भविष्य एक तरीके से, और देखिए आदित्य ठाकरे को लेकर ही उद्धव ठाकरे की तरफ के लिए कहा जा रहा था कि वो पूरी ये सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि वो ढाई ढाई साल वाला 50-50 वाला जो फॉर्मूला चाहते थे उसके तहत वो चाहते थे कि उनका बेटे को वो सीएम बनवाएं। एक ये भी बात सामने निकल कर आ रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी के साथ बात बनी नहीं, शिवसेना ने उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, और ऐसे में अब इस गठबंधन सरकार को अगर स्थायित्व देना है तो फिर तो इसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे को खुद करना पड़ेगा। इस बात के दबाव के आगे कहा गया कि आखिरकार राजी हुए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। फिलहाल जरा ये तस्वीरें देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीर। अजीत पवार मीडिया के सामने हैं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। आनंदातच असतो, तसं काही काळजी करण्याचं कारण नाही, हमेशा खुशी। राजकारण वेगळ्या ठिकाणी, कुटुंब वेगळ्या ठिकाणी, फॅमिली अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, परिवार अलग है, राजनीति अलग है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। ये जो कहा है अजीत पवार ने, इसके मायने क्या हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं जितेंद्र दीक्षित के पास, विधानसभा में किस तरीके से अब विधायकों के पहुंचने का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ बता रहे हैं। के विधायक दल के नेता बाला साहब, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बतौर उप मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस की ओर से आप शपथ लेने वाले हैं? नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री निश्चित हो गए, उद्धव जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उप मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा, ये आज कल तय हो जाएगा। कांग्रेस किस तरह के मंत्रालय चाहती है सरकार में? नहीं नहीं, हम तो देख रहे हैं, अच्छी मंत्रालय लेंगे, जो आएगा काम वो अच्छी तरह से करेंगे। स्पीकर का पद किसके तरफ जाएगा, ये अभी तक निश्चित नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कल देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देते वक्त ये कहा था कि ये जो सरकार बन रही है ये विपरीत विचारधाराओं की सरकार है और ज्यादा टिक नहीं पाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सरकार टिकेगी, काम करेगी, अच्छा काम करेगी। तो आपने सुना बाला साहब, थोरात को महाराष्ट्र कांग्रेस के
प्रमुख हैं, विधायक दल के नेता हैं, और इनका कहना है कि भले ही सरकार में शामिल पार्टियों की विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन ये सरकार टिकेगी। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज मुंबई। तो महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार, सुबह 9 बजे उद्धव ठाकरे पहुंचने वाले हैं राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। कल ही उनको मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया गया है राज्यपाल की तरफ से। और इस बीच ये तस्वीरें हैं, ये विधानसभा की तस्वीरें हैं। देखिए, सुप्रिया सुले पहले से ही मौजूद और विधायकों के पहुंचने का ये सिलसिला, किस गर्म जोशी के साथ वो मुलाकात कर रही है विधायकों से, और सिर्फ अपने दल के विधायकों से नहीं बल्कि उसी गर्मजोशी के साथ कांग्रेस शिवसेना के विधायक पहुंच रहे हैं, उनका भी उसी अंदाज में स्वागत करते हुए सुप्रिया सुले ने कमान संभाल रखी है। और ये जो तस्वीरें हैं वो महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाती हैं अशोक वानखेड़े जी, क्योंकि एनसीपी में शरद पवार की लेगेसी आगे किसे बढ़ानी है, अब अजीत पवार कहीं दूर दूर तक नहीं और पार्टी का नेतृत्व करते हुए ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। देवेंद्र फडणवीस जी पूर्व मुख्यमंत्री अब एक एमएलए के तौर पे आए हैं शपथ लेने, एक यहाँ पर विधान भवन में कल ही इन्होंने इस्तीफा दिया है 4 दिन की सरकार चलाने के बाद में। और चूंकि इन्हें बहुमत के जितने आंकड़े इनके पास में नहीं थे, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जो पहुंचे हैं विधान भवन शपथ लेने के लिए, शपथ लेने के लिए नागपुर से पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं। और जयंत पाटिल, अब देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में बैठने वाले हैं और जयंत पाटिल सत्ताधारी पक्ष के होंगे, और इन दोनों की एक साथ में ये तस्वीर आकर ये दोनों गले मिले। हमने देखा कि दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे थे और अब अंदर गए हैं जयंत पाटिल और देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने के लिए। कुछ देर में ही, अब से 5 मिनट बाद ही सत्र शुरू हो जाएगा, और जिसमें कालिदास कोलमकर जो कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं राज्यपाल की ओर से, वो एक एक करके विधायकों को शपथ दिलाएंगे। और उम्मीद की जा रही है कि ये शपथ विधि का कार्यक्रम जो है आज दिन भर चलने वाला है। तो ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं विधानसभा से, जहां पर विधायक पहुंच रहे हैं उनके स्वागत के लिए। एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले खड़ी हुई सामने नजर आ रही हैं, और कुछ देर पहले देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच चुके हैं। 80 घंटे के मुख्यमंत्री रहने के बाद देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दिया कल, और जो महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा था ये माना गया कि उस पर आखिरकार अब एक तरीके से पर्दा डला।